राष्ट्रीय 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि जीवीके कंपनी उनका पूरी तरह से शोषण कर रही है, उन्हें उनके काम के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है, साथ ही उनसे समय से अधिक कार्य करवाया जा रहा है। 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी बीते मंगलवार से जीवीके कंपनी द्वारा उनके ऊपर हो रहे शोषण के विरोध में हड़ताल पर है। मरीजों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन सोलन ने होमगार्ड सहित विभिन्न सरकारी विभागों के चालकों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें इन एम्बुलेंस में सेवाएं देने के लिए लगा दिया है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी से दो चार न होना पड़े। सोलन जिला में कुल 18 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस उपलब्ध है, जिसमें से कि विभिन्न विभागों के चालकों द्वारा 14 108 एम्बुलेंस को ऑन रोड कर दिया गया है। सोलन कार्यकारी उपायुक्त विवेक चंदेल ने बताया कि 108 व 102 कर्मियों की स्ट्राइक को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के चालकों को इन एम्बुलेंस में सेवा देने के लिए लगाया है। सोलन जिला में 14 108 एम्बुलेंस को चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीजों की सहायता के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 108 और 102 के जो पायलट्स और EMT स्ट्राइक पे चले हुए हैं, उसको लेकर हमने एक बड़ी इलेबोरेट यहाँ पे कार्य योजना तैयार करी, जिसमें हमने होमगार्ड से 13 ड्राइवर्स अरेंज किए इनकी गाड़ियाँ चलाने के लिए। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के भी अपने 11 ड्राइवर उसके लिए हमने एंगेज किए। एक ड्राइवर हमारा अपना राजस्व विभाग का उसके अंदर हमने लगाया और एक ड्राइवर हमें जिलाधीश शिमला द्वारा गया। तो इस प्रकार से इन सब ड्राइवरों की सहायता से इस समय हमने जो 108 हमारी इस टाइम 14 ऑपरेशनल हैं जिला के अंदर, तो सब जगह पे जो लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। उसके अलावा 14 के अलावा चंडी में हमने एक RBSY राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो हमारे अपने स्वास्थ्य विभाग का वाहन है उसे भी इस सर्विस में लगाया है। जहाँ तक 102 जो हमारी सेवा है उसका प्रश्न है, जो कि पोस्ट डिलीवरी ड्रॉपिंग के लिए जो गाड़ियाँ जाती हैं, उसमें भी हमारी 8 गाड़ियाँ जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना की अपनी स्वास्थ्य विभाग की, उनको इस काम में लगाया है। और जी अभी उसका भी प्रयास कर रहे हैं, विदाउट EMT चली, क्योंकि EMT भी सारे स्ट्राइक पे गए हैं। सो स्वास्थ्य विभाग से अभी बात, मेरी अभी MS के साथ बात हुई, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम एम्बुलेंसेज में हम स्वास्थ्य विभाग का कोई ना कोई कर्मचारी इसमें रखें, ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके। लगा दिया गया है SMA एक्ट के सरकार द्वारा, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं एम्बुलेंसेज और हेल्थ सर्विसेज, इसमें SMA एक्ट लगा है। समय अनुसार जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी, नियमानुसार वो कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।